तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं इटावा का प्रसिद्ध श्री पिलुआ मंदिर, जहां हनुमान जी की मूर्ति खाती है लड्डू और लेती है सांस। इस मंदिर में ऐसे हनुमान जी हैं जो भक्तों की मुरादें तो पूरी करते ही हैं और साथ में मंदिर में मौजूद होने का संकेत भी देते हैं। भक्तों के मुताबिक हनुमान जी यहाँ लड्डू खाते हैं। हनुमान जी का चमत्कारी रूप मनुष्य के हर संकट को हरने का दम रखता है। विद्वान कहते हैं कि एक बार हनुमान जी का नाम ले लिया तो समझो सारा डर खत्म हो गया। हनुमान के भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। आए दिन हनुमान जी के अलग अलग तरह के चमत्कार सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही चमत्कार एक उत्तर प्रदेश के इटावा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गाँव रूरा के पास यमुना नदी के निकट पिलुआ महावीर मंदिर में देखने को मिलता है। इस मंदिर में ऐसे हनुमान जी हैं जो अपने भक्तों की मुरादें तो पूरी करते हैं और साथ में मंदिर में मौजूद होने का संकेत भी देते हैं। भक्तों के मुताबिक हनुमान जी यहाँ लड्डू खाते हैं। यही नहीं बल्कि मूर्ति के मुख से लगातार राम नाम की ध्वनि भी सुनाई देती है और मूर्ति में सांसें चलने का आभास भी होता है। यहाँ जाने इस हनुमान मंदिर के बारे में और भी रोचक बातें। बताया जाता है कि यहाँ मौजूद मूर्ति के मुंह में जितना भी लड्डू डालो वह कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। यह बरसों से इसी क्रम में चला आ रहा है। किसी को नहीं पता कि आखिर प्रसाद जाता कहाँ है। पिलुआ वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का इतिहास भी काफी रोचक है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पिलुआ एक जंगली पेड़ होता है। इसकी जड़ के नीचे एक दिन हनुमान जी दबे हुए एक राजा को मिले थे। उस राजा ने उन्हें वहां से निकलवाकर उनके लिए उसी जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। तभी इसे इस मंदिर का नाम पिलुआ वाले महावीर पड़ गया। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।